प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटर। साई प्रणाम, सतीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की संख्या में फरियादियों से की मुलाकात, विभिन्न समस्याओं को सुन संबंधित कार्यों को त्वरित निस्तारण करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनवल बाईपास एवं नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के कार्यालय भवन का किया लोकार्पण। परिवहन विभाग दिवाली प्रोत्साहन योजना के तहत लगातार 10 दिनों तक कार्य करने वाले चालक परिचालकों को देगा प्रोत्साहन राशि। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खोवा मंडी में की गई छापेमारी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने जानकारी, कहा पीड़ितों द्वारा कंट्रोल रूम में किए जाने वाले हर कॉल पर की जाती है मदद। एआरएम ने दी जानकारी, कहा दीपावली व छठ के दृष्टिगत लोकल मार्गों पर बढ़ाई जाएगी बसों की संख्या। कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर के मुकदमे का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अवैध देसी तमंचा किया बरामद। और डीवीएनपीजी के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का हुआ आयोजन।